हर घर तिरंगा अभियान 2024 और काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में सहारनपुर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय बॉक्सिंग बालक प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण के साथ समापन हो गया। जिला स्तरीय बॉक्सिंग बालक प्रतियोगिता का शुभारंभ क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना और मुख्य अतिथि जगन्नाथ रथयात्रा समिति सहारनपुर के चेयरमैन भारत कर्णवाल के द्वारा खिलाड़ियों के फाइट कराकर किया गया। सहारनपुर मंडल के क्रीड़ा अधिकारी अनिमेश सक्सेना की देखरेख में आयोजित हुई बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन सब जूनियर बालक और जूनियर बालक वर्ग में किया गया, जिससे प्रतिभाग कर रहे मक्केबाजों ने अपने शानदार खेल के बलबूते पदक जीते। मैं भारत कर्णवाल, चेयरमैन जगन्नाथ रथ यात्रा, आज यहाँ पे सब जूनियर और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हमें आने का मौका मिला है और मैं RSS साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया, और एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ आएँ और बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए हम कोई कार्य कर सकें। हमें बहुत अच्छा लगा है देख के आज कि सहारनपुर में इस तरह की प्रतियोगिताएँ हों, जिला स्तर की हों और मंडल स्तर की हों और नेशनल स्तर की हों, तो हमारे सहारनपुर का नाम भी रोशन होगा और ये बच्चे जो हमारे कल का भविष्य हैं इनकी भी हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अनिमेश सक्सेना, रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर सहारनपुर। काकोरी ट्रेन एक्शन और हर घर तिरंगा के अवसर पर शासन द्वारा ये प्रतियोगिताएं हमें आयोजित कराने के दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि कोई बहादुरी के खेल कराया जाए, जिसमें हमने कुश्ती, कबड्डी और साथ साथ बॉक्सिंग, ये तीन खेलों को चुना था जिसके अंदर एक्शन होता है समझिए, तो वो उसके तहत आज यहाँ पर ये प्रतियोगिता आयोजित की। इसमें खेल विभाग द्वारा भी ट्रैक सूट बच्चों को इनाम में दिए जाएंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे, साथ साथ एसोसिएशन ने भी प्रयास करके मेडल्स उनको उपलब्ध कराए हैं, वो सब यहाँ पर कराया जाएगा।